Assalamu alaikum student, today we are going to discuss mechanism of secretion of gastric juice. As we know that the secretion of gastric juice is under control of medulla oblongata and forms a part of hindbrain. Lekin yahan par hum discuss karenge chemical control and nervous control of the secretion of gastric juice. पहले हम आते हैं केमिकल कंट्रोल की तरफ. तो केमिकल कंट्रोल सिंपल सा है. इसमें हम पढ़ते हैं कि जब फूड एंटर हो जाता है स्टमक में, उस फूड के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है. ये प्रोटीन स्टिमुलेट करता है एंडोक्राइन सेल्स को. एंडोक्राइन सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं. एंडोक्राइन सेल से रिलीज़ हो जाता है एक ख़ास किस्म के हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन कहते हैं. ठीक, ये गैस्ट्रिन रिलीज़ हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक, जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है वो जाता है यही हार्मोन ब्लड में और स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, स्टिमुलेट करता है. ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर लेता है विद इन स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज़ हो जाता है गैस्ट्रिक जूस. ठीक, और वही गैस्ट्रिक जूस पर डाइजेशन आप फूड करेगा. तो मतलब केमिकल कंट्रोल में हमने एक बात, सिंपल सी बात पढ़ी कि जब हम फूड खाएंगे उस फूड के अंदर प्रोटीन होगा, प्रोटीन जाएगा स्टमक में, स्टमक में वो स्टिमुलेट करेगा एंडोक्राइन सेल्स को, एंडोक्राइन सेल्स रिलीज़ करेगा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो जाकर गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज़ हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, डाइजेशन करेगा. मतलब कि जितना प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस होगा. अब आते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ जिसको हम क्या कहते हैं, नर्वस कंट्रोल कहते हैं. तो नर्वस कंट्रोल लाजमी बात है वो नर्वस सिस्टम के अंदर होगा जिसमें नर्व्स एंड न्यूरॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे. तो नर्वस कंट्रोल के अंदर अगर हम देखते हैं कि सम टाइम सिर्फ देखने से या टेस्ट करने से या सिर्फ इवन के डिलीशियस फूड के बारे में सुनने से भी क्या हो जाता है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसका रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. आप लोगों ने सुना होगा कि कभी हम ऐसे फूड के बारे में बात करते हैं जो ज़्यादा डिलीशियस हो तो सिर्फ बात करने से भी हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मुँह में पानी आ गया. तो वो मुँह में पानी आना इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर क्या रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है. और इसी पर एक्सपेरिमेंट किया था एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया. और इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उस एक्सपेरिमेंट में ये था कि उसने एक डॉग का जो एसोपेगस था, ठीक, डॉग का एसोपेगस जो था वो कट कर दिया और फिर उसके बाद उसको फीड किया. ठीक, तो फीड लाजमी बात है एसोपेगस अगर कट है तो वो स्टमक तक पहुंचेगा ही नहीं. लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट निकला कि 1/4 सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर जो है वो हो गया. तो उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या था कि नर्वस सिस्टम जो है वो रिलीज़ करता है गैस्ट्रिक जूस विद इन स्टमक. ठीक, मतलब कि रिलीज़ ऑफ द गैस्ट्रिक जूस जो है वो अंडर कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम है. यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, सिंपल सा एक डायग्राम है कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, फूड है. फूड यहाँ पर जो एसोपेगस का एक पार्ट है, वो एसोपेगस का पार्ट क्या है, वो कटेड पार्ट है. ठीक, वो पार्ट जो एसोपेगस से समझो कि वो काट दिया गया है, मतलब स्टमक के साथ जो रिलेशन है वो कट ऑफ है. ठीक, कटेड एसोपेगस है. अगर ये खुराक खाएगा तो लाजमी बात है वो स्टमक तक नहीं पहुँच सकता. जब स्टमक तक नहीं पहुँच सकता तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस कैसे रिलीज़ होगा. तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने बनाई हुई है कि एक यहाँ पर क्या है, आई है कि जब उसने खुराक को देखा डॉग ने, और दूसरा बात ये है कि जब उसने उसके जो ओरल कैविटी उसमें खुराक चला गया तो लाजमी बात है वो खुराक उसने स्टिमुलेट कर दिया, ब्रेन ने डिटेक्ट कर दिया. ब्रेन ने डिटेक्ट कर दिया कि मतलब खुराक है. तो ब्रेन ने न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो क्या कर दिया, वो मैसेज दे दिया. किस किधर मैसेज दे दिया, वो मैसेज दे दिया स्टमक को, मैसेज दे दिया और स्टमक ने क्या रिलीज़ कर दिया, गैस्ट्रिक जूस जो था वो रिलीज़ कर दिया. तो ये सिंपल मेकनिज़म है, बिल्कुल सिंपल, कि दो मेकनिज़म के इस में होता है केमिकल कंट्रोल जो केमिकल के कंट्रोल में होता है रिलीज़ ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और दूसरा नर्वस कंट्रोल में होता है कि ब्रेन के अंडर कंट्रोल होता है.